अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स नेक्स्ट के साथ एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर है आपका दोस्त चिराग बलोच। एक बार फिर से आपको जो वादा किया था आप लोगों से कि आपको जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम के अपग्रेडेशन के हवाले से जो है वो मैं आपको तमाम तर अपडेट दूंगा, खास करके जब मैंने लास्ट टाइम बाहर से अपडेट दी थी जाके मेन बिल्डिंग यहाँ पर बन रही है जो कि मरकज़ी बिल्डिंग बनाई जा रही है। मैंने कहा था कि मैं आपको अंदर से अपडेट देने की कोशिश करूँगा, तो उसी तरह से आपका वादा पूरा करने के लिए, आपसे जो वादा किया था उसको पूरा करने के लिए मैं यहाँ पर स्टेडियम के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ पर स्टेडियम के अंदर से आपको अपडेट दूँगा कि अब यहाँ पर स्टेडियम की क्या सूरत हाल है, अंदर से इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है। पिछले मैंने लास्ट आपको बताया था कि जो बाहर सूरत हाल है वो क्या चल रही है, लेकिन अब जो बारी आ चुकी है कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो अंदर क्या सूरत हाल है, क्या काम चल रहा है यहाँ पर, ये मैं आपको ज़रा दिखाना चाहता हूँ। इधर मैं अगर आपको यहाँ पर दिखा सकूँ तो यहाँ पर आप देखें कि इस टाइम जो सूरत हाल चल रही है, इनक्लोजर्स को जो है वो गिरा दिया गया है यहाँ पर जो है वो, साथ में तमाम तरह इनक्लोजर्स को जो कि पहले सिर्फ जो है 70 से 80% जो है वो गिराए गए थे, लेकिन अब जो है वो उनको तकरीबन तमाम तर जो है वो उनको गिरा दिया गया है। इमरान खान इनक्लोजर आप देख सकते हैं, इसी तरह से ये फजल महमूद इनक्लोजर है, यहाँ पर वो बिल्डिंग ये इस जगह पे बनेगी प्रॉपरली जो कि मेन बिल्डिंग के साथ कनेक्ट होंगे, जाके इस मेन बिल्डिंग के साथ कनेक्ट होंगे, ये वो स्टैंड होंगी इमरान खान इनक्लोजर और फजल महमूद इनक्लोजर जो हैं, ये दोनों जाकर इमरान खान और फजल महमूद इनक्लोजर जो हैं वो मेन बिल्डिंग के साथ कनेक्ट होंगे, यहाँ पर वो कनेक्टेड रहेंगे। इसी तरह से अगर यहाँ पर देखें तो ये स्कोर बोर्ड जो है इसको भी उतार दिया जाना है, ये स्कोर बोर्ड जो है यहाँ पर अभी आपको नज़र आ रहा है, इसको वैसे तो उतार दिया गया इसकी स्क्रीन को, लेकिन जो रहता है ये भी आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा क्योंकि स्क्रीन से इससे जो व्यू है इसके पीछे अगर आप देख सकें यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल जो पीछे लोग बैठते हैं उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता। इस वजह से यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पर चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है वो की थी, यहाँ पर विज़िट किया था, तो उनका कहना था कि स्कोर बोर्ड को भी हटाएं और इसको जो है वो हम कहीं और लगाएंगे, इसको जो है वो छत के ऊपर लगाया जाएगा जो कि मेन बनेगा, तो यहाँ से हटा के जो है वो और बेहतर तरीका व्यू देने के लिए यहाँ पर कैपेसिटी भी बढ़ाई जाएगी। और यहाँ पर अगर आप देख सकें मेरे साथ कि ये जो इमरान यहाँ पर इंजमाम इनक्लोजर कायद इनक्लोजर जिस यहाँ पर नीचे शेड होते थे, उन शेड्स को जो है वो ख़त्म कर दिया गया, अब इनको गिराकर एक प्रॉपर जिस तरह सेटअप किया, जिस तरह पूरा सेटअप किया जाता था उस तरह से बनाया जाएगा जिस तरह से बाकी इनक्लोजर जो बने हुए थे, रमीज़ राजा इनक्लोजर, अब्दुल कादर इनक्लोजर, जो बाकी इनक्लोजर थे, तो यहाँ पर देखें ये नीचे जो यहाँ पर बनाई गई है ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर खोदा गया है, यहाँ पर ये खोद कर जो है यहाँ पर स्टैंड्स को करीब लेके आया जाएगा, जो कि स्टैंड हमें पहले ये सिर्फ यहाँ पर नज़र आते थे यहाँ तक, अब यही स्टैंड हमें आगे आकर ये इस जगह पर स्टैंड बनेंगे, यहाँ पर कंक्रीट जो है वो डाल दी गई है, यहाँ पर जो है वो काम किया जाएगा मज़ीद, वहाँ से दूसरी एंड पे भी काम इस तरह से जारी है, वहाँ पर जो है वो जो पूरे ग्राउंड के अंदर यहाँ पर इसको करीब लेके आया जाएगा, इस तरह मेन बिल्डिंग जो है वो भी करीब बनेगी जिससे मज़ीद व्यू जो है वो मज़ीद ख़ास करके बेहतर होगा, स्टैंड पे जो लोग बैठेंगे वो उस चीज़ को इंजॉय करेंगे, उनको मैच अपने स्टार्स को मज़ीद करीब से देख पाएंगे। इसी तरह से ये देखें तो ये जो स्टैंड नीचे वकार यूनिस और वसीम अकरम इनक्लोजर हैं, इस साइड ये वसीम अकरम और ये वकार यूनिस इनक्लोजर हैं, ये भी थोड़े जो है वो करीब इनको लेके जाया जाएगा जिस तरह से बाकी इनक्लोजर हैं, इनको भी शायद जो थोड़ी और तरह से डिप दी जाएगी जिससे मज़ीद जो है वो इनका व्यू बेहतर होगा, और साथ में जो है वो तमाम तरह इनक्लोजर्स की सूरत हाल में आपको थोड़ा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आप देखें तो ये जो है राजाज इनक्लोजर, सबसे पहले ये राजाज इनक्लोजर आता है, ये देखें आप तकरीबन तमाम तोड़ दिया गया है। इसी तरह से अगर आप अब्दुल कादर इनक्लोजर देखें ये तकरीबन तोड़ दिया गया है, ये अब स्क्रीन यहाँ पर लगी थी तो आहिस्ता आहिस्ता इसको भी तोड़ के एक प्रॉपर जो है वो उसको फ्लो में लेके आया जाएगा जिस तरह से किया जाएगा, क्योंकि अभी तक बाकी ये तोड़े गए हैं, ये देखें उसके बाद ये कारदार इनक्लोजर है, ये उसके बाद फजल महमूद इनक्लोजर पहले भी आपको दिखाया है, साथ में ये इस साइड पे आ जाएं तो ये जो है वो इमरान खान इनक्लोजर है, इसी तरह से ये जवेदनी अदाद इनक्लोजर, ये सईद अहमद इनक्लोजर रहा, यहाँ पर भी काम जो है वो जारी है, ये स्क्रीन को हटाया जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर अभी मशीन यहाँ पर काम कर रही है, मैं आपको वो भी अगर दिखा सकूँ तो ये देखें आप, ये मशीन जो वो तोड़ने का काम जारी है, यहाँ पर तमाम तर सूरत हाल जो है वो बड़ी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि यहाँ पर जो है वो तमाम तर काम बड़े तेज़ी से जारी है, यहाँ पर कंक्रीट भी जो है वो यहाँ पर डाली गई जो खुदाई की गई थी, तो यहाँ पर काम जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से जारी है। यहाँ पर ग्राउंड की सूरत हाल देखें तो यहाँ पर वक्तन फ़क्तन जो है वो पीसीबी का स्टाफ जो है वो ग्राउंड की भी देखभाल करता रहता है, उसको जो है वो बाउंड्री लाइन यहाँ पर आप देखें पिचेस की जो है वो कवर किया गया यहाँ से कि जगह लगाई गई, यहाँ पर कोई जो एंटर नहीं हो सकता, यहाँ पर पानी भी जो है वो लगाया जा रहा है इस टाइम, ये देखें आप, ठीक है, तो यहाँ पर जो सूरत हाल है वो बड़ी ज़बरदस्त चल रही है, बड़ा तेज़ी से काम चल रहा है, तीन वक्त के अंदर जो है ये तीन शिफ्टों के अंदर काम चल रहा है, आठ आठ के तीन शिफ्टें हैं यहाँ पर जिनके अंदर काम हो रहा है, और बड़े ही पिछले खास करके दो हफ्तों के अंदर जो है वो बड़ी तेज़ी आई है, और मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा था कि ये इनक्लोजर जो है वो अभी तोड़े जाएंगे चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले, क्योंकि बड़ी जो है वो
आस्ती बड़ा एक डिमांडिंग काम था जो कि करना था, लेकिन चेयरमैन पीसीबी को दाद देनी होगी इस चीज़ के ऊपर कि जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को हैंडल किया, जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को जो है वो कहा कि इन्होंने चैलेंज को जो है एक्सेप्ट किया कि मैं ये चीज़ करके दिखाऊंगा, मैं ये काम करके दिखाऊंगा, जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त था और इसको जो है वो अप्रिशिएट करना बनता है जिस तरह से यहाँ पर पीसीबी जो है वो कर रहा है, यहाँ पर काम कर रहा है बड़े तेज़ी से। तो ये तमाम तर सूरत हाल अभी ये यहाँ की मैं आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ ये जो बिल्डिंग है इसको जो है वो जो कि हमारे यहाँ पर मीडिया बॉक्स वगैरह भी हैं यहाँ पर, ये सब जो है वो यहाँ पर नहीं बनी है, कुछ टाइम पहले बनी थी, कुछ साल पहले बनी थी यहाँ पर, लेकिन अब इसको नहीं तोड़ा जाएगा, बाकी स्टैंड्स को जो मज़ीद करीब लेके जाया जाएगा इस तरह से ये हैं। इसी तरह से अगर हम बाकी बात करें तो वो जो स्टैंड्स हैं बाकी इस तरह से ये स्टैंड तोड़े गए, इनको करीब लेके आ जाएगा। ये स्टैंड जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो यहाँ पर ख़त्म हो गए थे, पहले भी आपको दिखाया कि यहाँ पर जो ख़त्म हो जाते स्टैंड, अब उनको मज़ीद करीब पे ले गए, क्यों आप ये देखें कि ये जो स्टैंड्स हैं वकार यूनिस एनक्लोजर इससे भी कई पीछे थे। अब ये देखें ये वकार यूनिस फिर भी थोड़ा करीब है और उसके जंगले भी बड़े लगे होते थे यहाँ पर जो बाकी इंक्लूजर होते हैं, यहाँ पर देखें तो सूरत हाल यहाँ पर इसी को जो है वो मज़ीद बहुत ज़्यादा करीब हो जाएगा इस हिसाब से अगर हम देखें तो, व्यू मज़ीद बेहतर होगा। बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो इनिशिएटिव है जो कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की जाने से लिया गया और इसको अप्रिशिएबल है जिस तरह से उन्होंने काम चल रहा है यहाँ पर, दिन रात काम चल रहा है और डेडलाइन है कि इसको जो है वो दिसंबर 2024 तक जो है वो इसको कंप्लीट किया जाएगा ताकि चैंपियंस ट्रॉफी जो वो अपने टाइम पर मुकम्मल हो सके। अब देखना होगा कि जिस तरह से बेसमेंट का तकरीबन काम अभी यहाँ पर मैं अभी आपको नज़दीक करके दिखा सकूँ तो वो देखें आप कि बेसमेंट का काम वहाँ पर तकरीबन जो है वो अब मुकम्मल हो चुका है। अब जो है वो पिलर्स लगाने डालने वाला काम शुरू कर दिया, पिलर्स बनाने वाला काम शुरू कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि ये काम जो है वो कब तक मुकम्मल हो पाता है। उसके बाद उनका कहना था कि ये जो एक एक फ्लोर जो है वो 3 हफ्तों के अंदर कम्प्लीट किया जाएगा, चेयरमैन पीसीबी के साथ में ये भी कहना था। तो ये तमाम तर सूरत हाल थी, ये अपडेट थी जो कि मैं आपको देना चाहता था। ये अंदर से भी ये इस तरह मज़ीद अपडेट भी चलती रही, अंदर से भी आपको दूंगा, नेक्स्ट अपडेट होगी, कोशिश होगी कि बाहर के काम के दूँ कि बाहर इस टाइम क्या सूरत हाल चल रही है, बाहर की क्या अपडेट है, ये भी आपको जो है वो मैं साथ में अपडेट दूँगा।